बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था और सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो उस दौरान देखा गया कि जो तमाम विपक्षी दल थे उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद जो सदन की कार्रवाई थी उसे 2 बजे तक स्थगित किया गया। पुनः जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो वापस से तमाम विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद कल के लिए जो विधानसभा की कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। ऐसे में अब जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल अपने विधायकों के की जो बैठक है उसे बुलाई है। बता दें आपको कि आलोक मेहता जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उनके आवास पर इस बैठक को रखा गया है और अब जो तमाम पार्टी के विधायक हैं वो धीरे धीरे आलोक मेहता के आवास पर शिरकत कर रहे हैं। इसी क्रम में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की है जो कि आलोक मेहता के सरकारी आवास पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही क्षण में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव भी आलोक मेहता के आवास पर पहुंचेंगे और जो एक रणनीति है सरकार के खिलाफ उस पर चर्चा की जाएगी। बता दें आपको 4 दिन का ये जो सत्र है वो रखा गया है। ऐसे में अब विपक्ष किस तरीके से सरकार के खिलाफ गोलबंद हो उसको लेकर ये बैठक किया जा रहा है। क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से अगले दिन की जब कार्रवाई होगी सदन की तो विपक्ष अपने मुद्दों को रखेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये जो बैठक है वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता के आवास पर की जा रही है। निश्चित तौर पर इस बैठक में ये रणनीति बनाई जाएगी कि कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष किस तरीके से अपने भूमिका में रहेगा, वो कौन से मुद्दे होंगे जिससे सदन की जो कार्रवाई है वो चलाई जाए। बता दें आपको कि आज पूरा दिन जो सत्र सदन का रहा विधानसभा में हंगामा का रहा और हंगामे के बीच सदन को स्थगित किया गया है। इसके साथ ही जब राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक निकले बाहर तो उन्होंने कहा कि अगर सदन के अंदर अग्निपथ स्कीम को लेकर चर्चा नहीं कराई जाती है तो हम लगातार इसी तरीके से हंगामा करेंगे, विरोध सरकार का करते रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि कल जब सत्र की शुरुआत होगी तो क्या इस विषय को लेकर सदन के अंदर चर्चा कराई जाती है या फिर विरोधी दल इसी तरीके से हंगामा करेंगे। आज की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति क्या होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।